गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू आर वेल एट होम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट स्टूडेंट्स वेदर एंड क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है बट टर्म एंड कंडीशन क्या अप्लाई होती है यहाँ पर यहाँ पर अप्लाई होती है कि जो वेदर है वो डेली की जो होने वाली जो ना एटमोसफेयर के अंदर चेंजेज होते हैं जबकि क्लाइमेट जो है वो नीयर अबाउट थर्टी ईयर तक जो हम उस एरिए को एनालाइज करेंगे वेदर का एनालाइज करेंगे फिर डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है तो आज जो है हम इसी के बारे में एनालाइज़ करेंगे यहाँ कहता है कि वेदर इज द कंडीशन ऑफ़ एटमोसफियर ऑफ स्मॉल एरिया फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम देखो यहाँ पर क्या कहता है ये कि जो वेदर है वो क्या है एटमोसफेयर की एक स्मॉल एरिया की और जो कम पीरियड का जो टाइम होता है वो उसकी कंडीशन है वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी फ्यू हावर्स इन ए डे बिल्कुल सही बात कह रही है कि वेदर जो है ना वो हर एक घंटे के अंदर जो दिन के अंदर हर घंटे बाद चेंज हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग के अंदर जो टेम्परेचर और जो विंड होती है वो किस टाइप की चलती है लेकिन जैसे ही समर सीजन के अंदर जो आफ्टरनून हम देखते हैं कि टेम्परेचर में कितना जो है वो चेंज आ जाता है तो ये सब चीज़ें जो है ना वो पर आवर के जो है वो चेंजिंग है फॉर एक्ज़ाम्पल हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी मेक द वेदर सल्ट्री एंड अनकम्फर्टेबल ये कहता है कि अगर टेम्परेचर हाई है और ह्यूमिडिटी भी हाई है तो वो जो कंडीशन होगी वो अन कम्फर्टेबल जो है वो कंडीशन होती है क्लाइमेट रेफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ़ ए लार्ज एरिया एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जबकि जो क्लाइमेट है वो क्या होता है कि वो एवरेज वेदर कंडीशन लेंगे हम एक लार्ज एरिया और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट रिमेन कंसेंट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन मे बी फॉर थ्री मंथ्स और सिक्स मंथ और ए ईयर तो ये कहता है कि जो क्लाइमेट अगर चेंज होगा वो एक लौंगो ड्यूरेशन के अंदर चेंज होते हैं उसके लिए तीन महीने छः सिक्स मंथ या फिर पूरा साल भी जो है वो लग जाती है अब हम बात करते हैं कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं इनके एलिमेंट्स जो सेम ही है जैसे टम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी विंड एंडेशनस जो है ना इनके एलिमेंट्स हैं दोनों के बोथ आर इक्वल सबसे पहले हम करते हैं टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर कहता है कि जो तापमान है वो क्या है कि वो गर्मी और सर्दी ठंड गर्म और ठंड का जो है ना जो एयर है उसी को जो है ना वो हम टेम्परेचर बोलते हैं द टेम्परेचर ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिक्स मिनिमम एंड सिक्स मैक्सिमम एंड सिक्स मिनिमम थर्मामीटर ये कहता है कि जो ना इस टेम्परेचर को जो है किससे मेजरमेंट करते हैं हम मेजरमेंट करते हैं थर्मामीटर से जो हम इसको मेजरमेंट करते हैं द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस जो ना इनको हम डिग्री सेल्सियस में बोल देते हैं ऑन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज जीरो डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बच्चों जो बर्फ है वो ज़ीरो डिग्री के तापमान पर जो है वो जमती है जबकि जो पानी का जो उबाल है वो हंड्रेड डिग्री पर हो जाता है द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इट रेडिएशन हीट इन आल डायरेक्शन अर्थ रिसीविंग ओनली ए मिलियंथ पार्ट ऑफ द सन हीट और सोलर रेडिएशन दिस इक्नो इनकम सोलर रेडिएशन इज नाउ एज आइसोलेशन बच्चों यहाँ क्या कहता है ये कि जो सन जो है ना वो ही हमारे लिए हीट और लाइट के जो ना मेन सोर्स है सन जो अपने रेडिएशन जो है ना हीट हीट और रेडिएशन जो है वो हर एक डायरेक्शन के अंदर जो ना वो भेजता है लेकिन सन आ, अर्थ क्या करता है कि उसमें से जो ना कुछ अरवा भाग ही जो ना हम उसका ऑब्जर्व कर लेते हैं उसी को जो सोलर रेडिएशन बोलते हैं जो सोलर रेडिएशन जो है अर्थ के ऊपर आता है उसको जो है इंसुलेशन जो है वो कहा जाता है अब हम बात करते हैं फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस कि भी किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है वो कैसे जो है कंट्रोलिंग किस फैक्टर से जो ना वो कंट्रोल होता है द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इन इज नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ ये कहता है कि जो इंसुलेशन जो आता है अर्थ के ऊपर वो आता है वो जो बिल्कुल हर एक अर्थ के ऊपर सभी पार्ट के ऊपर जो इक्वल नहीं होता देर फॉर टेम्परेचर वेरियस ऑफ डिफरेंट प्लेस हर एक प्लेस का जो, ए, temperature जो different, different है टेम्परेचर जो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस आर एज फॉलो कहता है कि जो फैक्टर अपने हैं रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर हैं टेम्परेचर को इफेक्ट डालने के लिए वो आगे जो है बताए गए हैं सबसे पहले कहता है कि लेटिट्यूड ऑफ ए प्लेस सेकंड है एल्टीट्यूड या हाइट अबाउट द सी लेवल थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम सी और फोर्थ है ओशियन करंट ओके सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटिट्यूड ऑफ ए प्लेस अमंग फैक्टर लेटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इज मैक्सिमम ऑफ द इक्वेटर एंड डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल्स स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है ये कि जो सबसे ज़्यादा जो इंसुलेशन है इंसुलेशन जो है वो जो इक्वेटर लाइन है उसके पास का जो है एरिया रहेगा और तो जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन से दूर होते जाएंगे जो टेम्परेचर है उसके अंदर जो है वो डिक्रीजिंग होती जाएगी देर फॉर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू एदर ऑफ द पोल्स द टेम्परेचर डिक्रीजिंग रेगुलरली ये कहता है जैसे ही जो हम पोल से जो इक्वेटर के वाली साइड आएंगे तो जो टेम्परेचर बढ़ जाता है लेकिन क्या होता है कि जैसे जो अर्थ की जो पोजीशन है वो ट्वेंटी थ्री नॉर्थ साइड जो है वो झुकी हुई है उसकी वजह से क्या होता है कि जो जीरो डिग्री इक्वेटर लाइन है ना उसके ऊपर सन लाइट जो है ना वो डायरेक्ट रहती है पूरे साल लेकिन पोल की साइड जो है ना वो तिरछी हो जाती है जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर वहाँ पर उसको कम मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट है एल्टीट्यूड द हायर वी एसेंट द लोअर इज़ द टेम्परेचर दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट द लोअर लेयर्स ऑफ एयर नियर द सर्फेस आर डेंजर देन द अपर लेयर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं ये कि जो टेम्परेचर है वो सरफेस के पास जो है ना ज़्यादा मिलेगा लेकिन जैसे जैसे आ, हम अपर पार्ट में जाएंगे अपर लेयर में जाएंगे तो वो जो है टेम्परेचर लो हो जाएगा द परमानेंट स्नो कैप ऑन हाई माउंटेन इवन इन द लो लेटीट्यूड इंडिकेट द टेम्परेचर डिग्रीज द इन हायर एल्टीट्यूड स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कह रही है कि आप लोग ने देखा होगा कि जो हमारे जो आ, माउंटेन एरिया है जो हाई पिक्स है जिनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा है वो हमेशा जो है ना बर्फ़ से ही ढके रहते हैं इसका कारण यही है कि वो वहाँ पर जो जो एल्टीट्यूड है वो हाई एल्टीट्यूड है फॉर एग्जांपल मिस्टर सॉरी माउंट केनिया एवं थ्रो लोकेटेड एट द इक्वेटर इज कॉल्ड इनफ टू हैव ए परमानेंट स्नो कवर ऑन इट्स पीक जो मिस्टर माउंट केनिया जो है वो इक्वेटर लाइन के पास है लेकिन वहाँ हमेशा जो है ठंडी रहती है रीज़न क्या है कि वो एक ऊंचाई के ऊपर है बच्चों क्या होता है कि एक हज़ार मीटर के ऊपर अगर हम जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो सिक्स पॉइंट फोर डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अपना माउंट एवरेस्ट है वो जो है आठ हज़ार आठ सौ अड़तालीस मीटर जो है हाइट के ऊपर है तो वहाँ पर जो टेम्परेचर कितना लो होगा थर्ड है हमारा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी लैंड एंड वाटर बॉडी हीट अप एंड कूल डाउन डेफिनेटली लैंड गेट हीटेड एंड कॉल डाउन मोर इक्वली देन वाटर हेंज टेम्परेचर रिमेंस हाई ऑन द लैंड ड्यूरिंग द डे एंड लो ड्यूरिंग द नाइट बच्चों यहाँ पर क्या है ये कि जो लैंड एंड वाटर जो बॉडीज़ है उनके अंदर जो हीट और जो कूल cool डाउन होने का जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है इसमें जो लैंड जो है वो क्विकली जो है ना हीट हो जाता है और क्विकली ही ठंडा हो जाता है जबकि जो वाटर जो बॉडीज़ है वो हीट uh, होने में भी जो है ना टाइम लगाता है और कोल्ड होने के अंदर भी जो है वो टाइम लगाता है इसका रीज़न ये है कि जो लैंड है उस पर जो ना सन लाइट डायरेक्ट आती है और जबकि जो वाटर बॉडीज है उसके अंदर जो ना लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट uh, होता है वाटर तो उसमें से जो ना वो एरिया ज़्यादा कवर करती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लैंड है वो जल्दी ही गर्म हीट हो जाता है जबकि जो वाटर है वो वो उसका सरफेस एरिया वो ज़्यादा हो जाता है सनेट के लिए तो वो टेम्परेचर जो है ना वो धीरे धीरे जो है ना वो गेन करता है और धीरे धीरे ही उसको छोड़ता है ऑन द अदर हैंड वाटर बॉडीज लाइक लॉन्गर टाइम टू हीट और कूल दस द एरिया नियर द सी हैव माइल्ड आवर मॉडरेट क्लाइमेट तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यही कह रहा है कि जो सी के पास जो अपना एरिया होगा वो इसको इफेक्ट डालेगा लास्ट पॉइंट हमारा ओशन करंट्स ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ एडजस्ट एडजस्ट लैंड एरियाज कॉन्सडेबली वर्म ओशियन करंट्स राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरिया स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जो ओशन करंट है वो भी टेम्परेचर को काफी जो है न काफ़ी एडजस्ट जो है करती है और जिस पार्ट के अंदर ओशन जो वार्म ओशन करंट है जिस पार्ट में जाएगी वहाँ के आसपास के एरिया जो टेम्परेचर जो है वो राइज कर देती है बढ़ा देती है वेयरस कोल्ड ओशन करंट्स मेक दिस एरिया कोल्डर अगर जो ओशियन करंट्स अगर ठंडे हैं तो जिस पार्ट में जाएगी वहाँ पर जो टेम्परेचर उसको जो है वो ठंडा कर देती है टेम्परेचर को जो है वो लो कर देती है बच्चों आज ना आपको एक बात और बता देता हूँ मैं कि वर्ल्ड के अंदर जो क्लाइमेट को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाली जो फैक्टर है उसके अंदर ओशियन करंट जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है अब अगर एल नीनो जो अगर ओशन करंट के अंदर हम मानसून की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ओशियन करंट भी जो काफी है काफ़ी इफेक्ट डालती है फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यू टू द कोल्ड लेबराडोर करंट्स द कैनेडियन कोस्ट रिमेंस फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर ये कहता है कि जो लेबराडोर जो करंट्स है ये कौल, कोल्ड ओशन करंट है जैसे ये कैनेडियन कोस्ट पर जाती है तो वहाँ पर जो ना इतना टेम्परेचर तो लो कर देती है कि वो विंटर सीजन में फ्रोजन पॉइंट तक जो है वो ले जाती है ऑन द अदर हैंड द वार्म नॉर्थ एटलान्ट ड्रिफ्ट इफेक्ट जो है इफेक्ट द कोस्ट ऑफ नॉर्वे कीपिंग इट प्रेजेंट ड्यूरिंग द विंटर तो यहाँ पर यह कहता है कि जो अपनी नॉर्थ एटलैंटिक ड्रिफ्ट जो ओशन करंट है वो गर्म है लेकिन जैसे ही वो नॉर्वे के जिस पार्ट में जाएगी वहाँ पर जो है ना टेम्परेचर को बढ़ा देती है बोथ द प्लेस आर ऑन द सेम लेटीट्यूड दैट टेम्परेचर डेफर कहता है कि दोनों ही सेम लेटीट्यूड के ऊपर है बट एक प्लेस में जो है तो ठंडी ओशन करंट जा रही है वहाँ पर कोल्ड ओशन करंट जा रही है तो वहाँ टेम्परेचर जो है काफ़ी लो कर देती है उसको फ्रीजिंग पॉइंट तक ले आती है जब दूसरी ही प्लेस पर जो ना सेम एटीट्यूड के ऊपर जो है वहाँ ओशन जो करंट है वो वार्म है तो नॉर्वे के अंदर जो टेम्परेचर को वो बढ़ा देती है तो इस प्रकार जो है हम ये देख सकते हैं कि ओशन करंट जो कैसे टेम्परेचर को जो है वो मॉडरेट करती है ड्यू टू द अबाउ मैंसन फैक्टर डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अवर द अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म इट वेरी इज होरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल तो फ्रेंड्स ये कहता है कि जो अपना टेम्परेचर uh, जो है अर्थ के ऊपर वो पूरा पूरा एक जैसा सिस्टम नहीं है यहाँ जो होरिजेंटलली एंड जो वर्टिकली जो अगर हम देखते हैं तो काफ़ी डिफरेंट इसमें मिलेगा तो so, फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक के साथ जो है हम आपसे रूबरू आएंगे थैंक यू फ्रेंड्स हैवी ने डे